उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग लगने की घटना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना की जांच 3 दिनों में करते हुए इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। मजिस्ट्रियल जांच को लेकर एक IAS अधिकारी और एक अपर कलेक्टर सहित टीम गठित की गई है। जांच को लेकर बिंदु भी तय हो चुके हैं। अखिलेश ने कहा, सरकार द्वारा आयोजित कोई परीक्षा ऐसी नहीं बची जिसका प्रश्न पत्र लीक ना हुआ हो। सरकार जानबूझकर प्रश्न पत्र लीक करवा रही है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि नौकरी देना पड़े। नौकरी देना पड़ेगा तो आरक्षण भी देना पड़ेगा। इनके हाथ में ना रोजगार है ना नौकरी देना। आगे आने वाले 10 सालों तक BJP सरकार में बनी रही तो ये शादी भी नहीं होने देगी। सियासी हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जतन प्रसाद के सामने वरुण गांधी खुद खड़े होते हैं तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पीलीभीत में सियासत का ऊंच किस करवट बैठता है और वरुण अपने सियासी भविष्य को लेकर क्या फैसला करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में घमासान जारी है। आज दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही है। वहीं BJP उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अगली सूचना जारी होने तक के लिए लोक कल्याण मार्ग और पेटे चौक मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने का फैसला लिया। सुरक्षा कारणों से लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पर प्रवेश और निकास अगली सूचना तक के लिए बंद रहेगा। पंजाब में BJP और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है। BJP ने मंगलवार को ऐलान किया कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। पंजाब BJP के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक वीडियो संदेश के द्वारा खुद इसकी पुष्टि की है। संयुक्त अरब अमीरात में भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए अजमान की पुलिस ने रमजान के पहले सप्ताह में 45 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। भिखारियों की संख्या को UAE में सीमित करने के लिए पुलिस को स्थानीय नागरिकों के अलावा विभिन्न संस्थानों का भी सहयोग मिल रहा है। बिहार को जल्द ही गड़े खजाने का तोहफा मिल सकता है। सरकारी कंपनी ONGC जल्द ही बिहार में तेल के कुएं की खुदाई करने वाली है। ये बिहार में स्थित गंगा घाटी में तेल की खोज के प्रयासों का हिस्सा है। ET के एक रिपोर्ट में ONGC की डायरेक्टर सुषमा रावत के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। TV सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है इस समय चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में शो 2 स्टार्स को मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखाया। डायरेक्टर राजन शाही ने अरमान और रूही का किरदार निभाने वाले शाहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को शो से बाहर कर दिया था। वो इन दोनों को रोहित पुरोहित और गर्वता सावधानी से रिप्लेस किया है। IPL इतिहास में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा को 19 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वहीं इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को 17-17 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है।